नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी एक्सप्रेस न्यूज। खबर सहगढ़ से है, जहां 10 साल से पदस्थ डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर विशेष भूमिका निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बंडा विधानसभा क्षेत्र के सहगढ़ तहसील की, जहां पदस्थ डॉक्टर अमित असाठी करीब 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जनता एवं मरीजों को यह अफसोस है कि आज डॉक्टर अमित असाठी ने उच्च अधिकारियों को अपना इस्तीफा सौंपा है। इसके पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन कारणों को लेकर डॉक्टर असाठी ने इस्तीफा क्यों दिया है। मुझे जैसे ही खबर मिली तो मैंने अपनी आरआरडी टीम को बुलाया, तुरंत इन्फॉर्म किया। मैं हालांकि सुबह 9 बजे से 24 घंटे की ड्यूटी पर था, मॉर्निंग सुबह 9 बजे से अगले दिन 9 बजे तक दो डॉक्टर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर पांडे और मैं। ठीक है, मुझे पता लगा ये घर भाग गया, उसका मैंने एड्रेस वहाँ से उसको मैंने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद मैंने आरआरडी टीम को बुलाया। आरआरडी टीम में राजेश चौरसिया एमपीएस, अंकुर शुक्ला और सोनू बीजी थे। तो अनफॉर्चुनेटली राजेश चौरसिया का फ़ोन नहीं लगा, तो उनका फ़ोन नहीं लगने के बाद मैंने बीजी सोनू सिंह को फ़ोन लगाया और उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मैं थक गया हूँ। मैं सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे ये भी कहा मैं भी सुबह 9 बजे अगले दिन 9 बजे तक ड्यूटी कर रहा हूँ, है ना, कि आपको उसका फ़ोन नहीं लगा, चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं उसके फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, है ना, और उनकी जो भी बात हुई है वो, लेकिन वो नहीं आया व्यक्ति। लेकिन उसके बाद मेरा राजेश चौरसिया से कॉन्टैक्ट हो गया था, अंकुर शुक्ला, उसके बाद आरआरडी टीम की गाड़ी आई, हम लोग उसके घर गए, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस से भी दो कांस्टेबल गए और उसको चेक किया। लेकिन कोरोना की संदिग्धता पाते हुए उसका सेचुरेशन SpO2 कम आ रहा था, बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी और वो पुराना किडनी की बीमारी से पीरियड था, उस बीमारी को CKD बोलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, है ना, उसका डायलिसिस का था पेशेंट, जबलपुर से कांटेक्ट की उसकी हिस्ट्री थी। इसके बाद मैंने उसकी जांच करने के बाद जिला अस्पताल कांटेक्ट किया, जिला अस्पताल से फिर उन्होंने कोरोना क्वारंटाइन वाली एम्बुलेंस भेजी, लगभग रात भर 1:30 बजे इसको मैंने उसको फिर सागर रेफर करवाया। 25/5 की रात्रि को 10:30 बजे के करीब देवी सिंह पुत्र उजियार सिंह गौड़ उम्र 25 साल वार्ड नंबर 3 सागर को आरआर टीम के चिकित्सक डॉक्टर अमित असाठी के द्वारा चिकित्सा परीक्षण कर सागर को जाने की सलाह दी। सर, क्या उसमें कोई संक्रमण के लक्षण पाए गए क्या? जी, डॉक्टर अमित असाठी से जानकारी हम दे दी। सर, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अमित आनंद असाठी द्वारा इस्तीफा की पेशकश की गई है, हमने उस बारे बताया, आवेदन दिया है जो मैंने बहिष्कार के अग्रेसित कर दिया। अच्छा सर, क्या कारण है, किन कारणों से दिया? उनके आवेदन में लिखा हुआ है कि आरआर टीम में जो सोनू सिंह उनने मतलब दिनांक 25 को ड्यूटी के लिए मतलब आने के लिए बोला, तो उनका मोबाइल में उनका जो विवाद हुआ लोग आपस में। सर, वो अपने स्वास्थ्य खराब होने की वो भी बता रहे हैं कि स्वास्थ्य खराब है उनका और ड्यूटी लगातार ली जा रही है। उसका मेडिकल केस नहीं करा कि किसी चिकित्सक का कि मेडिकल उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, वो बोल रहे हैं, मतलब उन्हें कोई मेडिकल केस नहीं करा कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है चिकित्सक के द्वारा। अभी कितने डॉक्टर पदस्थ हैं? अभी सागर में 2 पदस्थ हैं। सर, एक डॉक्टर अशोक राजदान है जिनकी सेवाएं सायगढ़ में है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं ड्यूटी नहीं कर रहे। मेरे आने पूर्व वहाँ उनका बहिष्कार कार्यालय द्वारा उनका सायपुर ड्यूटी निर्यात की गई। सर, आपके लिए जब से BMO का पद मिला है उसके बाद आपको ड्यूटी करना चाहिए थी यहाँ पे के नहीं करना चाहिए थी? मुझे सिर्फ BMO के आदेश दिए गए हैं, आप BMO त्यौहार संभाले। सर, पहले पूर्व से भी आपके लिए यहाँ एक दिन सप्ताह में ड्यूटी जब मेरी निर्यात की गई थी बहिष्कार द्वारा, तो अभी मुझे इस तरह कोई आदेश नहीं दिए गए। इस्तीफे का क्या होगा सर? मैंने प्रेस कार्यालय अग्रेसित कर दिया जो निर्णय बोली।